नमस्कार ट्विन सिटी टॉप खबर सह बारवाटी धौली एक्सप्रेस रे आरंभ करिबा खबर रा यात्रा किंतु प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि हेडलाइंस महानदी फतिमूल घाट रे शोकाकुल परिवेश चारि अष्टम श्रेणी छात्रक अकाल मृत्यु घरे न जणाई नदी रे गाधिबा बेले अघटन पानी रे फासि जाय छात्रक मृत्यु भिकारीमुक्त स्मार्ट सिटी करिवारे बीएमसी फेल एवं भी राजधानी में बुलुचंती भिकारी बाटबणा हो कि भिकारीमुक्त अभियान बीएमसी रो कार्यदक्षता को नहीं उठिला प्रश्न पार्टी मिशिला दुई महला कोठा भुवनेश्वर भूमिखाल दुर्गा मंडप पछपट बेआईन भावे निर्माण होता घर सरकारी जगार होता घर को भांगिला बीएमसी ब्राउन सुगार कबल में सिल्वर सिटी ग्राहकों अपेक्षा करवसायी को काबू कला लालबाग थाना पुलिस आनुमानिक 37 लाख टंकार ब्राउन सुगार जबत व्यवसायी गिरफ टंका न देवारु ट्रक ड्राइवर उपरे पुलिस दादागिरी अभियोग बीच रास्ता रे ट्रक ड्राइवर को पिटिला बालगोदाम थाना पुलिस भाइराल हैला जुक्ति तर्कर वीडियो जुलम को विरोध करी थाना अधिकारी को भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर सदस्य महानदी रे गाधीबा होइछि काल घरु लुची महानदी को आसी गाधीबा बेले चलीगला चारि चारिटी अमूल्य जीवन एमती एक हृदय विदारक तथा अभावनीय घटना घटी कटक महानदी भदीमूल घाट रे जो सृष्टि होता शोकाकुल परिवेश चारिज मृतदेह उद्धार पर कटक एसीबी मेडिकल को पोस्टमार्टम पर पठाई दिया जाए छे जीवन को बुझा आगर लिभिगला जीवन दीप अकारण रे चलीगला चारि चारिटी अमूल्य जीवन नदीकूल कांद बोबाली रे फाटी पड़ुछि पूरा परिवेश कारण अफेरा राइजरु आउ केबे फेरिबेनि एही चारि छात्र ए दृश्य उपरे टिके नजर पकांतु सान भाई पाखरे बसि रही कांदुछि तार भौणी आउ एक शिशु पाखरे मध्य समान दृश्य कहार आखिरे रहु नाही लुह वीडियो रे गीत गाउथिबा एही पिलारटा ओम प्रकाश बेहरा सबुबेले चलचंचल किंतु एबे नीरव आउ निस्तब्ध महानदी में गाधोइबा बेले निजर तीन सांगों सह नदी में अकात पानी चलीगला जीवन गोटे परे गोटे मृतदेह को नदी उद्धार बेलर दृश्य थिला हृदय विदारक किए जाणीथिला एपरि भावे चारि चारिटी निरीह जीवन महानदी गर्भरे चली जीव बोली मु खबर पाइली तथा पांचटा छटा बेले काना कुआर जाइले आसी ना फेरनी से आसी खोजाखोजी तथा कलु सांग फांगर सब गलु पाइल ना तापस देख ला रात जमी थाना एफआईआर देवा जाइल एफआईआर दे देख ली से सार कौट खबर पाई आसिले सांग पिला डका डकी खेलिया को गई समस्ते आम आज जानू जा खेलिया को आसब आम अवस्था बोली आम आज जानू आम लेट है जमी खोजाखोजी कलु कि अवस्था बोली आम कौन जाणीचु कटक पोतापोखरी अंचल अष्टम श्रेणी छात्र ओम प्रकाश बेहरा आजिंक्य बाहालिया चंदन बेहरा और शुभम सेठी चारिज जाक गत स्कूल छुट्टी पर सैकेल जोगे भदीमूल महानदी घाट को गाधोवाई जाते सैकेल और चपल कूल थोई गाधोवा बेले चारिज नदी स्रोतने भासी जाते तेरे परिवार लोके बहु खोजाखोजी पर सन्धार नदीकूल सैकेल थी देखा पाई नदी में भासी जाता अनुमान करने खोजाखोजी आरंभ कर रात ओम प्रकाशर मृतदेह उद्धार कर छात्र मैंने समस्त नुआबजार पोतापोखरी अंचल बोली जमापड़ी तेब आज सका अग्निशम विभाग और स्थानीय लोके खोजाखोजी करने से मृतदेह उद्धार करोक और आत्मीय स्वजनों कांद बोबाड़ी में फाटी पड़ा महानदी घाट चारिजण चंदन और आशुतोष बापमा गोटे लेखाएं पुओ होलशून्य एवं बापमा तेज अग्निशम विभाग रिपोर्ट अनुसार 2019 आज सुधा कटक महानदी अनेक दुर्घटना घटी जो अनेक अमूल्य जीवन जाए तेज महानदी
ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଲଗାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫାୟାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ି କେଉଁଠି ଥିବ, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ତିନିଟି ବଡ଼ି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବଡ଼ିକି ପଠାଇବୁ। କାଲି ରାତି ଯାକ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ, ତା ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ନଈ ପାଣି ମାନେ କୂଳରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟି ପିଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଖୋଜାଖୋଜି ଆମେ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଠି ଗାଧୋଉଥିଲା, କହିଲା ଏଇଠି ଅଛି ଆସ। ଆମେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଲୁ। ଗତକାଲି ରାତି 10:50 ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଚାରିଜଣ ପିଲା ଗାଧୋଇ ସମୟରେ ଏଠି ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଟିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟ 11:00 ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତଥାପି ଖୋଜା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଚାରି ଚାରିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଆଜି ଘଟିନଥାନ୍ତା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସାଜିଛି ଭେଳିକି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କରାଯାଉଛି ଭିକାରୀ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା, ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀରେ। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ବିଏମ୍ସିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀରେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ ସ୍ଥିତି, ବିଏମ୍ସିର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକୁ ହଟାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ସହର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଭିକାରୀ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଛକ ହେଉ କି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁଠି ଭିକାରୀ। କେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସହର ସାରା ବୁଲି ସଚେତନ କରିବା ସହ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରାସନ କାର୍ଡ, ବୀମା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ। ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିକ୍ଷୁକ। ଏଥିସହିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ଯାଉନା, ଚଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲାଟିନ୍ ଯିବା, ଗାଧୋଇବା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା। ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟା ଲୋକ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେକି ଲାଟିନ୍କି ଯାଇପାରିବୁନି, ଲୁଗା ଧୋଇପାରିବୁନି, ଏସବୁ କଥା ହେଲା। ମାନେ ଖାଇଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ପୁରା ସେଇଠି ସୁବିଧା କରିବ ବୋଲିକି ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେବ ବୋଲିକି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠିକି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ। ଆମେ ଶୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ପଇସା ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠାଇ ପାରୁନି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ନା ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି 3 ଏନ୍ଜିଓକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ତେବେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ପାଟବଣା ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ବିଏମ୍ସି ଆପଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉନି ସହର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ? କେଉଁଠି ରହୁଛି ଅସଲ ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ବାଟବଣା ହେଉଛି ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯାନ? କାହିଁକି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରି ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ? ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ଆମର କାମ ଚଳାଇଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସାଜିଛି ଭେଳିକି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀରେ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି କେବେ ସହରରୁ ହେବ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପଛରେ ଥିଲା ଏ କୋଠା। ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏ କୋଠାକୁ ବିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତେବେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବାଡ଼ି ବସି ଏହି କୋଠା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ବସ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ବା ଘର ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା 350 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। 51 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, କହିଲେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନିନ୍ଦନୀୟ। ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏକାଠି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଶାସନ କାଳରେ ମହିଳା ବିପଦରେ, ସମ୍ବିଧାନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ, ଏହା କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସତକୁ ପଦରେ ପକାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 48 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋଷିତ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଚାଲୁ ରହିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭର୍ସନା କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। କଟକରେ ପୁଣି ଧଳା ଜହର, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କବଳରେ ସିଲଭର ସିଟି। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ଜହର କାରବାର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ କାବୁ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ। 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 270 ଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ସହ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ। ଅପରେସନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କଟକ ବେଲଭ୍ୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଜହର କାରବାର କରୁଥିବା ତୁଳସୀପୁର ରାଜା ଓରଫ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଜା ନିକଟରୁ 270 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାସହ ଏକ ହିରୋହଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ରାଜା ବସ୍ତିଆ, ଯିଏକି ବେଡ଼ାଣସୀର ନିବାସୀ ଅଛି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ ପାଖରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର କାରବାର କରୁଛି
और लोकंको बिक्री करिया पई ब्राउन सुगर आनी खबर पाई कि इमीडिएटली लालबाग पुलिस स्टेशन स्टाफ जाए कि से जगारे रेड कला से जगारे से माने राजा बस्तिया को पाइले आउ जेबे तारा सर्च करा गला ता पोजीशन रु 270 ग्राम ब्राउन सुगर जबत हेछि जहार मूल्य होछि 27 लाख रुपया। राजा नारे पूर्वरु कटकर विभिन्न थाना रे 19 टी मामला रहिछि जेउथरे हत्याकांड डकायती और राहजानी भली संगीन अपराध रहिछि। तेबे राजा एसब ब्राउन सुगर बालेश्वर और जगतसिंहपुर जिलारवाणी कटक रे तार नेटवर्क चलाइथिला। सेबडे पुलिस ऑपरेशन ड्रग्स ड्राइव रे चलित वर्ष मोट 5 किलो धळा जोर जबत करा जायथिबा नै सूचना दैछन्ती डीसीपी प्रतीक सिंह। ये ऊपर आगरु भी विभिन्न मामला रुजु हेछि टोटल या ऊपर 19 टी मामला अछि या भितरे आर्म्स एक्ट रॉबरी डकैती एक्साइज एक्ट विभिन्न प्रकार रो सबु क्रिमिनल घटना रे ये इन्वॉल्व रहिछि। एबे रिसेंटली हमको खबर मिलथला कि ये ब्राउन सुगर आनी के ब्राउन सुगर कारोबार आरंभ करिछि ये रिलेशन रे गोटे केस लालबाग पुलिस स्टेशन रे अंडर सेक्शन 21 एनडीपीएस एक्ट रजिस्टर करा जाइछि और ये लोको को आज कोर्ट को चालान करा जाउछ। ई जहर राजा केउ केउ स्थान रे बिक्री करथिला आ ता सहित केउ माने शामिल अछंती सेने पुलिस अधिक खोलताड़ करछि। कटकरु विश्वजीत दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ट्रक ड्राइवर ऊपर पुलिस रो दबंगिरी बीच रास्ता रे बिना कारण रे माड़ अभियोग जुक्ति तर्क रो वीडियो हला वायरल। पुलिस रो जुलम विरोध रे मालगोदाम थाना अधिकारी को भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता। मालगोदाम थाना पुलिस जणे ट्रक चालक को बीच रास्ता रे माड़ मारी लुहुलुहान करिकला अभियोग आसी। ट्रक ड्राइवर को अभियोग अनुसार मालगोदाम ओवरब्रिज निकट रे छत्तीसगढ़ रो जणे ड्राइवर डाली नै मालगोदाम को आसीथिले। मालगोदाम को प्रवेश समय पुलिस टंका मागिथिला हेले से न देवारु प्रथमे जुक्ति तर्क परे ताकु माड़ मारी लुहुलुहान करी मोबाइल फोन भांगी दैथिले जणे पुलिस कर्मचारी। तबे बड़ कथा हेउची पुलिस निज भूल स्वीकार करबा सहित गाड़ी ड्राइवर को चिकित्सा करबा सह भांगी दैथिबा मोबाइल बाबद को टंका देबाकु प्रतिश्रुति दैछि। जार प्रतिवाद रे आज ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता माने मालगोदाम थाना अधिकारी को भेटिछंती। संघर प्राय 30 रु 40 कर्मचारी थाना अधिकारी को भेटी पुलिस पक्षरु करा जाउतबा जुलम को विरोध करिछंती। संघर कर्मकर्ता अभियोग जदि कोनोसी ट्रक ड्राइवर किबा कर्मचारी भूल करथुले तांको आईन अनुसार दंडित करा जाउ किंतु बीच रास्ता रे सेमानन को माड़ मारी अपमानित करा न जाउ। मारो खारी सुन क्या मैंने कोई गलती किया क्या गलती किसी के ऊपर चढ़ा शाम के टाइम में आज सुबह रहा था 4 बजे तब क्या हुआ उसके बाद गाड़ी रोका और अपने को रोक के पैसे मंगा तो पैसे नहीं दिया मैंने तो मेरे को गाड़ी से नीचे उतार नीचे उतरा तो एक डंडा मारा था मोबाइल अंदर में क्या हुआ तोड़ दिए मोबाइल में क्या कर रहे थे आप मोबाइल में वीडियो शूटिंग कर रहा था तो शूटिंग करने के बाद वो तोड़ दिए मोबाइल। हाँ छत्तीसगढ़ रोड गाड़ी आसला ताको पुलिस वाला नो एंट्री कोई बटी मांगिले मालगोदाम ब्रिज ऊपर बटी न देला डू ताको मोबाइल भांगिले ताको बहुत मारी जंदी से माने कहउ जंदी आमे जाकू मारिचू ताको नेकी आमे ठीक करिवू डॉक्टर नउ डॉक्टर को देखैबू डॉक्टर को भलो हेला परे तापर तार जो मोबाइल भांगी आम 4000 टाँग दबू ये फाइनाल कर देबू थाना भितर आमर दाबी आज्ञा आम महासंघ को केमती इज्जत दि जाऊ आम ड्राइवर मान को केमती सम्मान दि जाऊ आम भाई मान को जमी मार्चंती तांगर किछि बहन करा जाऊ। केन्द्र सरकार का नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव सतीश मिश्र दुईदिनिया ओडिशा गस्तर आसी गस्त समय से भुवनेश्वर बीएमसी और स्मार्ट सिटी पक्षर जा विभिन्न प्रकल्प परिदर्शन करिसंती। भुवनेश्वर में स्मार्ट पार्किंग सह डिजिटल पार्किंग प्रकल्प जहाँ ट्रांसजेंडर का द्वारा कार्यकारी होध्यान करते केन्द्र सरकार का नगर उन्नयन विभाग पक्षर स्मार्ट सिटी अमृत योजना भाई विभिन्न स्कीम्रे राज्य को मिलुवा अनुदान किभली कार्यकारी कर सबू से बुले देखुं अब जैसे आपने यही देखा कि जो हमारा स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पार्किंग है एक ट्रांसजेंडर लोग जो इसको चला रहे हैं तो स्मार्टनेस इसका क्या है स्मार्टनेस ये हुआ कि मालूम है कि कौन कौन से पार्किंग स्लॉट खाली है सीधे आप उस पार्किंग स्लॉट पे पहुंच सकते हैं तो आपको लेके कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। पेमेंट क्या करना है पेमेंट ऑटोमेटिकली आपको जो है मोबाइल से ही आपका पेमेंट हो जाएगा।
तो आपको इतना आसान काम हो गया, मेहनत भी आपकी बची और आपकी गाड़ी भी सुरक्षित है। और ये कौन इसको देख रहा है, इसको ट्रांसजेंडर्स लोग उसको मिलके देख रहे हैं। आपने देखा कि कितना उनका उत्साह है। ऐसे ही जो बहुत सारे प्रोग्राम जो अलग अलग मिशन में किए गए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ और मैं और भी जगह पर जाके देख रहा हूँ। वर्तमान स्मार्ट सिटी गोटे नुआ पार्किंग आप डेवलप करते जोटा कि मो पार्किंग जो थे कि जनसाधारण तक घर रही ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग करें केमिति टेक्नोलोजी सहित ट्रांसजेंडर्स मानू इनक्लूड करकिनि आग को प्रॉपर लाइवलीहुड देकिनि कामरे नबा यह होची मूल लक्ष्य अर्बन लोकल बॉडीज मानकर। तो सेपाई केन्द्र रु आज अर्बन रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसी सेंट्रल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्रॉम अर्बन जी की विजिट कले आमर स्पेसीफिक जो यूनिक ऑल ओवर इंडिया रे ता से देखिले आपड़ जानते कि गोटे गोटे लर्निंग एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर जो अक्रॉस द इंडिया आपको इम्प्लीमेंट के ट्रांसजेंडर मैंने करहब लाइवलीहुड करहब दैट विल बी से देखिए कि गले। आज संविधान दिवस अवसर में जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज तरफ राजधानी उत्कल विपन्न सहायता समिति परिसर में दिवस को पालन करा जाई छी। एक कार्यक्रम में 10 जन कृषक को अन्नदाता सम्मान रे सम्मानित करा जाई छी। कॉन्स्टिट्यूशनल डे रो ये पई आमे मन को कृषक मन को डाके आज समन को आमे सम्मानित करी छु आ जो माने कि देशर गौरव आ देशर से माने एक्चुअली द सब किछि से माने ताको पई हां जहां भी अच्छा अच्छा हां आज आमे 10 जन को सम्मानित करी छु चासी मन को जे कि एरिया रो आखपाख लोक मैंने जो मैंने एक्चुअली चाष करी दे हैव कम फॉरवर्ड एंड सप्लाइड द फूड्स एवरीथिंग टू आवर सोसाइटी एंड दे हैव बिल्ड द इकोनोमी। लोकों जीवन सह खेल खेलुंती राज्य सरकार रोगी को दि जाऊँगी एक्सपायरी मेडिसिन। स्वास्थ्य विभाग चिठीर आसी ए सांघातिक सत एक्सपायरी मेडिसिन न देवाकू सबु डाक्तरखाना महाविद्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दि जाए। राज्य में अधिकांश डाक्तरखाना और मेडिकल कॉलेज रे रोगी को एक्सपायरी मेडिसिन दिया जाऊँगी। आगामी दिन में एप्रति दृष्टि देवाक स्वास्थ्य निर्देशक एक मार्गदर्शिका जारी करछंती। सरकार का एक मार्गदर्शिका को नहीं राउरकेला कैपिटल हॉस्पिटल समेत सबु डाक्तरखाना महाविद्यालय सबु जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जनस्वास्थ्य अधिकारी दर्शाई जे कौनसी परिप्रेक्षी एक्सपायरी मेडिसिन रोगी को जेपरी दि न जाए से दृष्टि दि जाऊ। कौशल भित्तिक शिक्षा प्रदान क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार करथिबा जटणी सेंचुरियन विश्वविद्यालय आज समावर्तन उत्सव पालन करुछि। ए उत्सव को ओडिशा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और ऑस्ट्रेलिया रा हाई कमिश्नर वारियो फारेल उद्घाटन करथिले। अवसर में प्रोफेसर पटनायक कहिथिले जे विश्वविद्यालय नूतन जातीय शिक्षा नीति को अनुसरण करी यार शिक्षा व्यवस्था को अधिक रु अधिक छात्राभिमुखी करने दिग्वे जत्नशील एवं एक सुंदर भविष्य पाई मिलित जातिसंघ द्वारा प्रणीत एसडीजी रा लक्ष्य पूरण क्षेत्र में मध्य काम करजक केवल शिक्षा प्रदान क्षेत्र में सीमित रखिना बरम यहाद्वारा स्थापित 21 गवेषणा केन्द्र द्वारा गत एक वर्ष मध्य यार शिक्षक और शिक्षयत्री मानू जतिय तथा अंतर्जात अनुष्ठान मानक सहित संयुक्त करा जाय गवेषणा करबा को प्रोत्साहित करा जाउछि। ये अमृत महोत्सव है 75 वर्ष का और हमने एक सब्जेक्ट दिया है यूनिवर्सिटीज को प्रिंसिपल्स को कि बच्चे से पूछिए कि वो कौन है क्या है उत्कल प्रदेश कैसा लगता है पूरा भारत कैसा लगता है पूरा विश्व कैसा लगता है और वो क्या चाहता है उसकी सोच क्या है। ये एक विषय हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के बीच में जाए और उसके लिए प्राइजेज भी रखे जाएँ। प्रधानमंत्री जी ने भी रखे हैं ऐसे कई जगह पर हम भी ये चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा विषय है कि उड़ीसा का जो बचपन है वो बचपन नहीं है वो खुदापन है। पास आउट पिला जो मैंने अच्छा मेसेज है वर्तमान जो स्थिति आम जो वर्तमान स्थित आम देश जाऊँ तेणु आगे आमर निजर पर आमर जो कम्युनिटी आम राज्य कौन कर प्रथम चिंता हाँ दरकार लोकों पर आम कौन करा हूँ प्रथम कथा चाकरी तो करवा निजपाई आम अन्न कौन करा मोर मेसेज नाइन्थ कन्वोकेशन
जो हिसाब से आम जाइ निजर बहुत पर लोक मरी जाती निजर सांग मरी जाती निजर रिश्तेदार मरी जाती यही समय जो मैं भल पाऊँ के समय दे पार्छू see bright young Indians graduate in a variety of courses and that's great for this state, it's great for the country. As I said in there, this is going to be India's century. Young educated Indians in the world's most consequential area where we're going to have account for 2/3 of the world's economic growth, where the middle class will grow to 3.5 billion people, it will create opportunities for citizens of India, but citizens of other countries in the region as well. समय छे बारबाटी धोली एक्सप्रेस रे खबर रा यात्रा को आज पई ठोकिबा नमस्कार.